सो हेलो स्टूडेंट, आरंभ में प्रिपरेशन में आ जाओ। कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.2, उसके कुछ क्वेश्चन जिसमें पार्ट वन में इंक्लूड करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 to 5। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सिंपल है, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस दिया हुआ है, इसमें टर्म्स दिए, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब ए लेंगे क्या हमारा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है। अब फर्स्ट टर्म को ए भी डिनोट किए कर सकते हो और टी वन भी डिनोट कर सकते हो, तो ये टी वन भी क्या हो गया हमारा फर्स्ट टर्म 1 हो गया। टी टू सेकेंड टर्म क्या है 8 है और थर्ड टर्म क्या है 15 है। अब क्या लेना है, टी टू माइनस टी वन, टी टू कितना है 8 है, माइनस टी वन कितना है 1 है, विच इज इक्वल टू 7। टी थ्री माइनस टी टू, टी थ्री का 15 है, माइनस टी टू कितना है 8 है, विच इज इक्वल टू अगेन 7। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 7 हो गया। अब यहाँ पे सीक्वेंस है 3, 6, 9, 12। फर्स्ट टर्म कितना है 3, सेकंड टर्म कितना है 6, थर्ड टर्म कितना है 9 और फोर्थ टर्म कितना है 12। हम लेंगे डिफरेंस T2 माइनस T1 यानी 6 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 3, T3 माइनस T2 9 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 3। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारा 3। नाउ कंसीडर सब क्वेश्चन नंबर 3। हियर T1 कितना है माइनस 3 है, T2 कितना है माइनस 8 है, T3 कितना है माइनस 13 है और T4 कितना है माइनस 18 है। अभी T2 माइनस T1 यानी कि माइनस 8, माइनस T1 यानी कि माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस 8, माइनस 8 माइनस प्लस 3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 8 में से 3 के 5, साइन बड़े नंबर का माइनस का। अब T3 माइनस 3 ये हो गया माइनस 13, माइनस माइनस 8 ये हो जाएगा माइनस 13, माइनस 8 माइनस प्लस 8 अगेन विच इज इक्वल टू माइनस 5। अब हियर ए यानी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को हम ए भी डिनोट कर सकते हैं, तो फर्स्ट टर्म कितना है माइनस 3 है और कॉमन डिफरेंस कितना रहा माइनस 5 आ रहा। अब हियर टी वन कितना है 70, T2 60, T3 50। फर्स्ट टर्म क्या है 70 है, जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है 61, यानी पॉजिटिव टर्म में डिफरेंस 60 माइनस 70 विच इज इक्वल टू माइनस 10। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिसाइड whether the following sequence is an arithmetic progression or not। सबसे पहले सीक्वेंस दिया हुआ है, इसको arithmetic progression है क्या नहीं ये बताना है, है ना। इफ सो, अगर है तो फाइंड 28 टर्म, यानी कि 20वां टर्म निकालना है। अब सबसे पहले सॉल्यूशन लेने के लिए हम लोग गिवन सीक्वेंस लिखेंगे। गिवन सीक्वेंस क्या है, -12 -5 2 9 16 23 एंड 30, ठीक है। हियर अब ये ए यानी कि फर्स्ट टर्म में हमारा T1 रहता, T1 कितना है -12 है, T2 ये कितना है -5 है, T3 ये कितना है 2 है ना, T4 इज इक्वल टू क्या है 9 है और T5 इज इक्वल टू क्या है 16, ये सफिशिएंट है फिफ्थ टर्म तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, T2 माइनस T1 करेंगे, यानी डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म, T3 माइनस T2 करेंगे, T4 माइनस T3 करेंगे एंड T5 माइनस T4 करेंगे। अब सेकेंड टर्म क्या है -5, ये माइनस एज इट इज, T1 क्या है -12, ये हो गया -5, माइनस इन माइनस प्लस 12, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 12 में से 5 क्या 7, साइन बड़े नंबर का, प्लस T3 कितना है 2, माइनस T1 कितना है -5 है ना, ये 2 माइनस इन माइनस प्लस 5 विच इज इक्वल टू 7। T4 ये है 9 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 7, T5 16 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 7। अब हियर द कॉमन डिफरेंस, अब यहाँ पे क्या हो गया कॉमन डिफरेंस यानी कि डी कितना आ रहा है 7 आ रहा है, ठीक है। अ कॉन्स्टेंट नंबर, ये क्या है कॉन्स्टेंट नंबर, अ कॉन्स्टेंट नंबर, तो हम लोग लिखेंगे हियर द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म आर कॉन्स्टेंट, तो देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। अब हमको एन ए टर्म यानी कि 28 टर्म फाइंड करना है, तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये एन ए टर्म बनने एन ए टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है। हमको कौन सा टर्म फाइंड करना है 28 टर्म, तो एन इज इक्वल टू 20 पुट अप करेंगे हम लोग, और ए यहाँ पे क्या है फर्स्ट टर्म क्या है -12 है और जो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारा 7। अब ये वैल्यू ये
फर्दर में प्रूव करेंगे। तो टी एन यानी कि 28 टर्म यानी टी 20 इज इक्वल टू ए, फर्स्ट टर्म क्या है माइनस 12 प्लस एन डी अगर 20 माइनस 1 इनटू कॉमन डिफरेंस कितना है 7 है, ये होगा टी 20 इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 20 माइनस 1 19 इनटू 7। तो टी 20 इज इक्वल टू ये हो गया माइनस 12 प्लस 19 इनटू 7 होगा 133। अभी प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 133 में से 12 है तो टी 20 यानी कि 28 टर्म हमको मिलेगा 121 जो हमारा हो गया फाइनल आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द 24 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस दिया हुआ है, ये फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को ए से लिखते हो और टी से लिखते हैं, कितना है 12 है फर्स्ट टर्म, 12 है और सेकंड टर्म, सेकंड टर्म कितना है 16 है, थर्ड टर्म कितना है 20 है और फोर्थ टर्म कितना है 24 है। अब हम एनए टर्म फाइंड करना है 24 टर्म फाइंड करना है। अब सबसे पहले हम डिफरेंस लेंगे, कॉमन डिफरेंस जनरली ये t2 माइनस t1 और ये t3 माइनस t2 ये कॉमन डिफरेंस लेते हैं हम लोग, क्या है 16 माइनस 12 और ये होगा 20 माइनस 16, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा 4 आ रहा, तो हियर कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 4। अब एनए टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है हमारे पास tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। अब इसमें हमको कौन सा 24 टर्म फाइंड करना है, तो n क्या रखेंगे 24, n की जगह 24 लिखेंगे, डिफरेंस है 4 का और फर्स्ट टर्म है 12, तो ये सब ये सारी वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे। t24 इज इक्वल टू a कितना है 12 प्लस n कितना है 24 टर्म माइनस 1 इनटू कॉमन डिफरेंस कितना है 4, तो t24 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 12 एज इट इज, ये हो जाएगा 23 इनटू 4, तो t24 इज इक्वल टू 12 प्लस 23 इनटू 4 ये हो गया हमारा 92, तो t24 इज इक्वल टू 104 हम लोग आंसर लिखेंगे। द 24 टर्म इज 104। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें 19 टर्म फाइंड करना है, हमको सीक्वेंस दिया है, सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 7, फर्स्ट टर्म 7 लेंगे, सेकंड टर्म लेंगे 13, थर्ड टर्म लेंगे 19 और जो फोर्थ टर्म है वो लेंगे हम लोग 25। अब डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म यानी कि t2 माइनस t1 और ये t3 माइनस t2 ये कितना हो गया 13 में से 7 में है, फाइनल आंसर कितना है 6 आया और ये 19 माइनस 13 ये भी कितना हो गया 6, तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा 6 का। अब हमें कौन सा टर्म चाहिए 19 टर्म, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 19 हो गया, तो जनरल फार्मूला क्या हमारा n टर्म का tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। अब ये फार्मूले में n की भी वैल्यू हमारे पास है, d की भी वैल्यू और फर्स्ट टर्म, तो हम लोग क्या करेंगे इस वैल्यू पुट अप करेंगे tn n इन द सेंस 19 टर्म होना, a कितना है 7 प्लस n यानी कि 19 माइनस 1 इनटू कॉमन डिफरेंस 6, तो t19 इज इक्वल टू 6 प्लस ये हो गया 18 इनटू 6, t19 इज इक्वल टू ये हो गया 7 प्लस 18 6 होता है 108, तो t19 व्हिच इज इक्वल टू 115 व्हिच इज योर 19th टर्म, तो हम लोग लिखेंगे द 19th टर्म इज 115। करें क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें फाइंड द 27 टर्म निकालना है हमको। अब हियर t1 यानी कि फर्स्ट टर्म है अपना, इसको a लिखते हैं हम लोग 9, सेकंड टर्म है 4 है, थर्ड टर्म है माइनस 1 और ये फोर्थ टर्म है माइनस 6, ठीक है एंड सो ऑन। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे t2 माइनस t1 और ये t3 माइनस t2 ठीक है और ये t4 माइनस t3 ये कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 4 माइनस 9 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होगा माइनस 5 हो जाएगा, t3 कितना है माइनस 1 माइनस t2 कितना है 4 एड अप हो जाएगा साइन वही रहेंगे माइनस 5, t4 कितना है माइनस 6 माइनस t1 कितना है माइनस 1, तो माइनस 6 माइनस माइनस प्लस, तो ये भी क्या होगा प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा माइनस 5 आ रहा और हमको कौन सा 27 टर्म होना, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा 27, तो n टर्म का फॉर्मूला है अपने पास tn इज इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये फॉर्मूले में कॉमन डिफरेंस एन ए टर्म और ए की वैल्यू पुट अप करेंगे तो 27 टर्म हो रहा था, एन की जगह क्या पुट करें 27। फर्स्ट टर्म कितना है हमारा 9 है प्लस 27 माइनस 1, ठीक है एन ए टर्म यानी कि 27 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस 5 है। तो ये हुआ टी 27 इज इक्वल टू 9 प्लस ये हो जाएगा 26 इंटू ये हो जाएगा माइनस 5। अब ये टी 27 इज इक्वल टू ये हो गया 9 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये 26 इंटू 5 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 130। अब ये हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा 30 में से 9 है 121, लेकिन साइन बड़े नंबर का तो ये 27 टर्म हमें निकालना था तो 27 टर्म कितना निकला माइनस 121।